मैकेनिकल सील में कौन सा पार्ट्स रोटरी होता है, कौन सा स्टेशनरी होता है? फॉर एग्जांपल जो सॉफ्ट फेस होता है क्या वो रोटरी होता है, और जो होता है हार्ड फेस वो स्टेशनरी होता है। और क्वेश्चन नंबर 2, हमें कब उसका अरेंजमेंट चेंज करना पड़ता है, कितने आरपीएम के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें जो वो है सॉफ्ट फेस वो स्टेशनरी करना है, जो हार्ड फेस है वो रोटरी करना है। ठीक, इस पे बात कर लेते हैं। मैं हूँ मोहम्मद शोएब, आप देख रहे हैं बट्टी ट्रेनिंग सेंटर। अस्सलाम वालेकुम। चलो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट रोटरी होता है, कौन सा स्टेशनरी होता है। जो सॉफ्ट फेस होता है वो रोटरी होता है, जो हार्ड फेस होता है वो स्टेशनरी होता है। ये कब तक रोटरी रहता है, जो हमारा है वो जो सॉफ्ट फेस वो कब तक रोटरी रहता है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि हमें कब जरूरत पड़ती है कि हमें जो है रोटरी फेस उसको स्टेशनरी करना है, तो क्यों करना है। तो ये देखेंगे, जब जो भी पंप जिसके आरपीएम 3000 से कम होंगे, 3000 अंडर उससे कम आरपीएम होंगे, तो जो होगा वो रोटरी पार्ट जो होगा वो होगा सॉफ्ट फेस, वो रोटरी रहेगा। ठीक है, अगर कब होगा, जब 3000 से कम आरपीएम होंगे जिस मशीन के पंप के, तो हमें जो रोटरी पार्ट होगा वो हमारा होगा सॉफ्ट फेस। ठीक है, तो वो रोटरी रहेगा। लेकिन जब 3000 अबव आरपीएम आपकी मशीन के होंगे, जिस मशीन के 3000 अबव मतलब 3000 से ज़्यादा आरपीएम होंगे, ठीक है, तो उस वक्त आपका जो हार्ड फेस है वो रोटरी हो जाएगा, उसको आपको रोटरी करना पड़ता है। ठीक है, जो सॉफ्ट फेस है उसको स्टेशनरी करना पड़ता है। कब करना पड़ता है, वो कब होता है, मतलब कि एक मैकेनिकल सील है ना, तो एक क्वेश्चन ये होता है कि भाई आपको जो कितने आरपीएम के बाद जो फेस है वो रोटरी होता है और स्टेशनरी होता है। ठीक है, तो सॉरी बीच कॉल आ रही थी, तो इस पे बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये बड़ा अहम सवाल है, बहुत ही मतलब हाई इंडस्ट्री में आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे ये पूछा जाएगा मैकेनिकल टेक्नीशियन इंजीनियर सुपरवाइजर से कि कितने आरपीएम के बाद हमें इसका अरेंजमेंट चेंज करना पड़ता है, कि जो हमारा सॉफ्ट फेस होता है वो चेंज हो जाता है, उसको हमें स्टेशनरी करना पड़ता है, हार्ड फेस को रोटरी करना पड़ता है। हार्ड फेस को हम रोटरी उस वक्त करते हैं जब हमारे 3000 अबव आरपीएम हो, जिस किस पंप के आरपीएम ज्यादा हो 3000 से, उस वक्त हमें जो स्टेशनरी पार्ट है उसको रोटरी करना पड़ता है। वरना आम रूटीन पे क्या होता है, हर मैकेनिकल सील में जो 3000 से पंप मोस्टली पंप आपके ना 3000 से कम आरपीएम के होते हैं, तो उनका जो होता है रोटरी पार्ट वो होता है सॉफ्ट फेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो लेके आता हूँ मैं अपनी हर वीडियो में, कहता हूँ मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, यू नीड एनी हेल्प रिलेटेड फॉर मैकेनिकल वर्क, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपना बेस्ट 100% आपको दूंगा जितना हो सकता है। ठीक है, बट रिलेटेड फॉर मैकेनिकल, ओके, तो मैं इंशाल्लाह ताला, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।